हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है दोस्तों, जो टोटका आज मैं लाया हूँ वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो बचपन में बदकारियाँ करते रहे हैं। साबुन का इस्तेमाल, शैम्पू का इस्तेमाल, ये उन लोगों के लिए है स्पेशल जिनका बिल्कुल टपर की तरह ढीला हो चुका है। दोस्तों ये जो तीन चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, सबसे पहले ये है अखरोट गिरी, ठीक है, उसके बाद हैं ये काजू, और सबसे ख़ास ये है खजूर जिसे ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है। मैं आज आपको बताता हूँ ये कैसे आप इस्तेमाल करके अपने ढीलेपन को दूर कर सकते हैं, अपनी जवानी को दोबारा बहाल कर सकते हैं। सो मैं आपको बता दूँ आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक हवन दस्ता ले लिया, अब इसमें हम डालते हैं 3 अदद ये अखरोट की गिरी, ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें 3 अदद खालिस काजू फ्राई हुए हुए। सो अब हमने इनको ग्राइंड नहीं करना, पीसना है हवन दस्ते में, क्योंकि ग्राइंड करने से इसकी गज़ाइत में कमी आ जाती है लोहे से। तो हम हवन दस्ते को अच्छी तरह से पीस लेंगे इस तरह से, आप देखेंगे। दोस्तों देखिए ये आपका पेस्ट तैयार हो चुका है। अब जो आगे आपने करना है वो है ये खजूर का, खजूर को आपने कट लगा लेना है, मैंने लगाया हुआ है इस तरह से, इसमें से इसकी गुठली को आपने बाहर निकाल दी, ये देखिए ये गुठली को बाहर निकाल दिया आप दोस्तों, ये देखिए अभी बिल्कुल ओपन हो चुकी है। अब आपने हाथ से या चम्मच से जिससे भी आपने इसको इससे भर देना है इस तरीके से, ये देखें, एक तो और ये देख ली मेरी आखिरी तैयार हो चुकी है खजूर। दोस्तों ये टोटका बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, ये रमज़ान में आप इफ्तार के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरी रात अगर आपका ढीला पड़ जाए तो मैं आपको जुर्माना दूंगा इस बात पे। ये टोटका आप इस्तेमाल करें सिर्फ एक मरतबा, ये देखें बहुत ही रमज़ान है, हालांकि देख के मुंह में पानी आ रहा है इसको। दोस्तों इसको इस्तेमाल करें, अब दूध से ले लें, कॉफ़ी में इस्तेमाल कर लें साथ इसके, जिस चीज़ पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट इसका ज़रूर मिलेगा। आज इस्तेमाल करें, आज ही रात आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपको, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।